कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यवीर ले आया है परिधि को एक ऐसी जगह जहां उसने खत्म कर दिए उसके सभी कनेक्शंस को। रस्सियों से बंधी परिधि अभी नहीं आई है होश में। वीर के दिल में परिधि के लिए सॉफ्टनेस तो है, लेकिन साथ साथ गुस्सा और नाराजगी भी। तो आखिर क्या कर रहा है आर्यवीर परिधि के साथ? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यवीर गुस्से में अपनी कार ड्राइव कर रहा था। परिधि इस समय भी बेहोश थी। वीर को कार ड्राइव करते करते लगभग एक घंटे का समय हो चुका था। वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन इस बीच जरा भी चेंज नहीं हुए थे। वीर की नजर कार ड्राइव करते हुए लगभग 4 से 5 बार परिधि के चेहरे पर गई, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद हर बार उसके गुस्से में इजाफा हो रहा था। आर्यवीर को परिधि के बारे में क्या पता है और कब से, ये तो आर्यवीर ही जानता था। आर्यवीर की कार एक सुनसान जगह पर आकर रुकी। आर्यवीर कार से बाहर आया और उसने परिधि की साइड का डोर खोला। परिधि अभी भी बेहोश थी और अगले कुछ घंटे और उसे होश नहीं आने वाला था। आर्यवीर ने झुकते हुए परिधि को अपने कंधे पर एक बार फिर से संभाल लिया। अब तक आर्यवीर के कुछ आदमी उसके उस वीरान से विला से निकलकर आर्यवीर की तरफ आ चुके थे। उनमें से एक आदमी ने आर्यवीर से कहा, बॉस इन्हें मैं ले जाता हूं। लेकिन उस शख्स के एक कदम आगे बढ़ने से पहले आर्यवीर ने उसे हाथ दिखाते हुए वहीं रोक लिया, जिसके बाद वो परिधि को उसी तरह अपने कंधे पर लादे हुए आगे बढ़ गया। वीर के वो आदमी वीर के पीछे पीछे ही थे और वीर तेज कदमों से उस वीरान से विला में आगे बढ़ रहा था। डोर खुला और वीर परिधि को उसी तरह अपने कंधे पर लादे सीधे रूम की तरफ बढ़ चुका था। पीछे से वीर के आदमियों ने उससे कहा, ये लड़की कौन है? बॉस आज तक कभी किसी लड़की को तो साथ में नहीं लाए। जो भी हो, लड़की है बहुत खूबसूरत। उस शख्स की बात सुनने के बाद दूसरे शख्स ने कहा, ये किस तरह की ओछी बातें कर रहा है तू? खामोश हो जा, अगर वीर बॉस को पता चल गया तो जान से सीधा हाथ धो बैठेंगे हम दोनों। इस शख्स की बात सुनते के साथ वो पहला आदमी खामोश हो गया। इधर वीर ने परिधि को अपने रूम में लाते हुए उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। परिधि को वीर बहुत ही संभाल कर यहां लाया था। चेहरे पर वीर के अभी भी बेहद गुस्सा था। वीर ने अपने एक सर्वेंट को वहां बुलाया। जल्दी ही उस घर का एक सर्वेंट वहां पहुंच चुका था। वीर ने उस शख्स से कहा, यहां एक 24 घंटे की फीमेल सर्वेंट अपॉइंट करो परिधि का ध्यान रखने के लिए, और हां इस रूम से सभी शार्प ऑब्जेक्ट्स हटा दो। उस सर्वेंट ने ओके कहा और वहां से जाने लगा तो वीर ने उस शख्स को पीछे से टोकते हुए कहा, वेट, मुझे एक रस्सी ला कर दो। वीर की यह बात सुनने के बाद वो सर्वेंट आंखें फाड़ फाड़ कर वीर की तरफ ही देख रहा था। वीर ने उस सर्वेंट से पूछा, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर मुझे रस्सी ला कर दो। सर्वेंट ने ओके बॉस बोला और जवाब देते ही वो वहां से बाहर निकल गया। वीर ने नजदीक में रखी एक चेयर उठाई और उसे परिधि के नजदीक डालते हुए बेड पर सुकून से सो रही परिधि के नजदीक डाल दिया। वीर ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को खोलते हुए उन्हें ऊपर फोल्ड कर लिया। अब आर्यवीर ने दबे शब्दों में परिधि से कहा, क्या कहा था तुमने परिधि? हर इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ छिपाता है। एकदम सही कहा था तुमने। ये बोलते हुए वीर ने परिधि के माथे पर बिखरे बालों को साइड कर दिया। वीर की नजरें परिधि के चेहरे पर ही थी तभी उस रूम के डोर पर नॉक हुआ, तो वीर ने डोर पर खड़े शख्स को अंदर आने के लिए कहा। डोर पर वही सर्वेंट था जिसे वीर ने रस्सी लाने के लिए कहा था। वो शख्स अपने हाथ में मोटी सी रस्सी लिए खड़ा था। वीर ने जब उस शख्स के हाथ में मोटी सी रस्सी देखी तो उसने उस शख्स को फटकार लगाते हुए कहा, ये क्या है? उस शख्स ने सर झुकाए हुए वीर को जवाब दिया, बॉस रस्सी अभी आपने ही तो कहा था लाने के लिए। वीर ने फौरन उस शख्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, इस नाजुक सी लड़की को बांधने के लिए हल्की फुल्की रस्सी भी काफी है, इतनी मोटी रस्सी की क्या जरूरत है? जाओ और जाकर कोई पतली सी रस्सी लेकर आओ, इट विल हर्ट हर। उस सर्वेंट ने जी बॉस कहा और वहां से फिर से बाहर जा चुका था। वीर एक बार फिर से उस शख्स के रस्सी लाने का वेट कर रहा था। वीर परिधि को वहां बांध कर जाने वाला था, जिसके बाद वो शाम को परिधि से आकर बात करने वाला था। परिधि अभी भी अपने होश में नहीं आई थी, वो बेसुध बेड पर बेहोश पड़ी थी। वीर रूम में चक्कर लगा रहा था जब वो सर्वेंट एक बार फिर से वहां आ चुका था। वीर ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो इस बार उस सर्वेंट के हाथ में एक पतली सी रस्सी थी। वीर ने उस शख्स के हाथ से वो रस्सी लेते हुए उस शख्स को वहां से जाने के लिए बोल दिया। उस सर्वेंट के जाने के बाद वीर ने परिधि को सहारा देते हुए उसे बेड के सपोर्ट से लगाकर बैठा दिया। वीर ने परिधि की बगल में बैठते हुए उसके बेहोशी से घिरते हुए शरीर को अपने कंधे पर संभाल लिया। वीर परिधि के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसे रस्सी से बांध रहा था। परिधि की नाजुक कलाइयों को रस्सी से बांधते हुए वीर पूरा ख्याल रख रहा था कि उसे हर्ट ना हो, लेकिन परिधि को इस तरह से खुला भी वो नहीं छोड़ सकता था।
परिधि के दोनों हाथों को बांधने के बाद वीर ने उसे बेड पर आराम से लेटा दिया, जिसके बाद वीर ने परिधि के हाथों में बंधी उस रस्सी को बेड के बैक सपोर्ट से बांध दिया। परिधि के हाथ बांध देने के बाद वीर ने परिधि के पांव को भी रस्सी से बांध दिया। वीर ने परिधि के पांव को भी बेड से फिलहाल के लिए बांध दिया था। वीर ने इस सब को करने के बाद एक गहरी सांस ली। वीर ने परिधि के सिरहाने आते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी भी इंसान को बाहर से देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। परिधि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा नहीं। यह सब बोलते हुए वीर चलने को हुआ था, लेकिन वहां से हिलने से पहले वीर की नजर परिधि के पांव में बंधे बैंडेज पर पड़ी। वीर ने परिधि के दोनों पांव पर रस्सी की पकड़ को थोड़ा सा और लूज कर दिया। वो परिधि को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देना चाहता था। परिधि का फोन इस समय वीर के हाथ में ही था। उसने परिधि के हाथ के अंगूठे से उसके फोन को अनलॉक किया, जिसके बाद उसने परिधि के फोन की सिक्योरिटी कोड को चेंज किया। वीर के हाथ में वो हथियार था जिससे वो उस शख्स तक पहुंच सकता था जिसने परिधि को आर्यमन तक पहुंचने का मोहरा बनाया था। वीर अब परिधि के फोन को अपने साथ लिए वहां से जा चुका था। वीर अभी बस सीढ़ियां उतर ही रहा था कि उसे वहां एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी नजर आई। वीर के कुछ भी पूछने से पहले एक सर्वेंट ने उससे महिला को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, अब बॉस, ये मेरी मासी है। आपने कहा था ना कि मैडम की देखभाल के लिए किसी 24 घंटे की फीमेल सर्वेंट को बुला लो, तो बस आपसे मिलवाना चाहता था इन्हें। वीर ने जवाब दिया, तो आपको पुष्कर ने सब बता दिया होगा। ऊपर रूम में जो मैडम है उन्हें कुछ टाइम में होश आने वाला है। वो चीखेगी चिल्लाएगी लेकिन उन्हें खोलने की कोई जरूरत नहीं है। खाना खिलाने की कोशिश कर लेना, लेकिन अगर वो ना खाए तो ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जैसे ही उन्हें होश आए मुझे कॉल कर देना, मैं शाम में आता हूँ। ये सब बोलते के साथ ही वीर वहां से जा चुका था। इधर रूम में परिधि बेहोश पड़ी थी। वीर अपनी कार में बैठकर सीधे घर के लिए निकल चुका था। वीर को परिधि का सच जानने के बाद बहुत बड़ा शौक लगा था, और वीर इस बात को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। इधर जागृति की सुबह आंख खुली तो आर्यमन इस समय रूम में मौजूद नहीं था। जागृति ने जल्दी से बेड से उठने के बाद अपने लिए वार्डरोब से कपड़े निकाले और वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जागृति का पूरा ध्यान आर्यमन की कल रात वाली बातों पर ही था। जागृति जल्दी ही नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ चुकी थी। जागृति ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल इस समय भीगे हुए थे। जागृति अपने बालों को टाल से सुखा रही थी। जागृति की नजरें अपने आप को मिरर में निहार रही थी। बालों को सुखाते सुखाते आर्यमन की कहीं बातें जागृति के दिमाग में घूम रही थी, जब रूम का डोर खुलने की आवाज जागृति के कान में पड़ी। जागृति फौरन अलर्ट हो चुकी थी। जागृति ने जैसा सोचा था, डोर पर आर्यमन ही खड़ा हुआ था। जागृति अपनी जगह से उठी और अपने हाथ में लिए हैंड टाल को बेड पर पटकते हुए वो वहां से तेजी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन आर्यमन ने जागृति की कलाई को रूम से बाहर जाने से पहले ही रोक दिया। आर्यमन ने हाथ थामने के साथ साथ जागृति को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। जागृति की वो भीगी हुई जुल्फें आर्यमन की बाजुओं पर बिखर चुकी थी। आर्यमन ने जागृति की कमर को अपने एक हाथ से जकड़ा हुआ था। जागृति ने आर्यमन से बहुत ही प्यार से कहा, आर्यमन प्लीज प्लीज लीव मी। आर्यमन ने उसे उतने ही प्यार से जवाब दिया, तुम मेरी पकड़ से तभी आजाद होगी जब तुम ये मेस साफ करोगी। जागृति ने बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखों से आर्यमन की तरफ देखते हुए उससे पूछा, कौन सा मेस? आर्यमन ने जागृति की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान तोड़ा और उसे अपनी उंगली के इशारे से बेड की तरफ देखने के लिए कहा। जागृति ने आर्यमन की उंगली के इशारे का पीछा किया तो उसे बेड पर अपना फेंका हुआ टाल नजर आया। जागृति समझ चुकी थी कि आर्यमन के कहने का क्या मतलब है। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जागृति से कहा, तुम तो मुझसे ऐसे बचकर भाग रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जागृति ने अपने और आर्यमन के बीच की नजदीकियों को दूरियों में तब्दील किया और वहां से बेड पर हड़बड़ी में फेंका हुआ अपना वो गीला हैंड टाल उठाया और लॉन्ड्री बास्केट में डालते हुए वो रूम से बाहर निकल गई। इस बीच जागृति ने आर्यमन से कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। तो क्या होगा जब वीर का होगा परिधि से सामना? आखिर कब से वो ये सब जानता था और आगे क्या करने का इरादा है उसका परिधि के साथ? नर्वसनेस में जागृति करने लगी है आर्यमन के सामने उल्टी सीधी हरकतें। आखिर कहां जा रहा है दोनों की जिंदगी का ये सफर? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।